अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी ज़रीना ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्दियों का बहुत मज़ेदार गिफ्ट, गुड़ के चावल की बिल्कुल आसान रेसिपी। माशाल्लाह खाने में बहुत मज़ेदार बनते हैं ये, आप हर तरह का मीठा खाना भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार बनते हैं ये टेस्टी गुड़ के चावलों की बिल्कुल आसान रेसिपी, खाने में बहुत मज़ेदार। सर्दी के इस मज़े मज़े के मौसम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी गुड़ के चावल बनाने की रेसिपी। चावल हमारे हैं आधा किलो, एक पाव से वो सॉरी आधा पाव हम ऑयल ले लेंगे, आप इसकी जगह घी मक्खन भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। डेढ़ पाव हम गुड़ लेंगे, पतीला हमने रख लिया है चूल्हे पे। तीन इलायची, 1 टीस्पून सौंफ, इससे भी बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा हमारे गुड़ के चावलों में। लो फ्लेम पे हम इनकी भुनाई करेंगे। इलायची और सौंफ की भुन चुके हैं हमारे ये इलायची और सौंफ, अब हम पानी डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 कप हमारे चावल हैं, 6 कप हम पानी लेंगे। पानी गुड़ के चावलों में थोड़ा ज़्यादा लगता है, गुड़ के मिठास से ये कड़क से हो जाते हैं, तो इसलिए पानी थोड़ा हम ज़्यादा लेंगे। डेढ़ पाव गुड़ डाल देंगे हम। पानी डाल दिया है हमने पूरा नाप कर, अब हम ढककर पानी उबाल लेंगे। जैसे ही हमारा पानी उबलेगा हम चावल डाल देखते हैं खोलकर। माशाल्लाह चावलों का पानी उबल चुका है, अब हम चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। कुछ हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं, बादाम, काजू, किशमिश, ये क्या है, पिस्ता, आधे हम अभी डाल देंगे, आधे हम गार्निश के वक्त डालेंगे। अब हम आँच कम कर देंगे ताकि चावल हमारे गल जाएं, फिर मिलाकर इनको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, चैनल पर नए हैं तो, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और मज़े मज़े के खाने बनाने को आपके साथ शेयर करने का दिल करता है। अब हम ढक देंगे इन चावलों को मीडियम टू लो पकाकर, देखते हैं 8-10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह चावलों का पानी कुछ हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक, इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा हमारे गुड़ के चावलों का। अब हम इन्हें मिक्स करके दम पे रख देंगे। नमकीन चावलों से ये थोड़ा देर में गलते हैं, इन्हें हल्की आंच पे गलाइएगा फिर जल्दी पकेंगे। अब दम पे रख देंगे हम चावलों को, अब हम दम पे रख देंगे 10 से 12, 13, 14 मिनट के लिए। ये ऐसी कैप है, इसमें से बिल्कुल भी स्टीम बाहर नहीं निकलता, इसलिए हमने गुड़ के चावल बनकर तैयार हो चुके हैं, दम पूरा हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इन्हें निकालेंगे, खिले खिले से हमारे ये चावल बने हैं, सर्दी में बहुत अच्छी मज़ेदार सौगात है ये, बहुत मज़ा आता है इन्हें खाने में। मज़ेदार सी हम ये गुड़ के चावल बनाने की रेसिपी बिल्कुल आसान, खाने में बहुत मज़ेदार। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।